आप चाहते हो कि जब आप लड़की के साथ ऐसे लेटे हो तो आप पास में जाएं और एकदम मच्छी के पास आए, नहीं सीधा उसमें घुस जाओ अपने आप को। ये बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट टिप है जिसकी वजह से लड़कियां बार बार आएंगी तुम्हारे पास। सब गाइस क्या चल रहा है आज? सॉरी वो इतना सेक्सी व्यू दे दिया आप सब लोगों को मैंने, लेकिन आज का वीडियो एक्चुअली है इंटीमेट ग्रूमिंग के ऊपर, मेंस ग्रूमिंग के ऊपर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अपना स्पेशल चमगादड़ वाला रीजन है उसको हम साफ सुथरा और सिल्की स्मूथ कैसे रखें, ठीक है। और मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप खुद सोचो कि लड़के हो के ना, आप ये नहीं सोचते कि पर्सनल हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप किसी लड़की के साथ क्लोज इंटीमेट इंट्रैक्शन करते हो। क्योंकि हमें कभी भी पसंद नहीं आएगा अगर दूसरा कोई इंसान बास मारे या अगर दूसरा कोई इंसान अनटाइडी हो वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम भी क्यों वैसे हों, ठीक है। हमें भी रेगुलरली अपनी चीज़ का, अपनी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और साथ में उसको भी वैसी अटेंशन देनी चाहिए जैसे अपने अपने मुँह को देते हो, जैसे आप अपने मुंह को देते हो। मतलब आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ मुंह पे सनस्क्रीन लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फेस वॉश के बारे में सब पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि नीचे का कौन सा वॉश है, ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो शेविंग या वैक्सिंग, ठीक है, शेव करो या वैक्स करो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी वैक्सिंग ट्राई नहीं करी है नीचे, मैं शेव करता हूँ तो मेरे लिए आई थिंक वंस इन टू वीक्स बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ अगर है भी, बाल अगर रखने भी हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन कम रखो, ठीक है, ताकि नीट और टाइडी लगे सब कुछ। ऐसा ना लगे कि मतलब बरगद का पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, वैसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नीट एंड टाइडी दिखना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट जब भी सिल्की स्मूथ हो, एकदम फ्रेशली वैक्स्ड या फ्रेशली शेव अगर किया हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी लड़की के साथ अगर तुम डेट पे जा रहे हो और अगर उसके बाद तुम्हारा उसका कुछ होने वाला है तो सीधा उसमें मत घुस जाओ अपने आप को। ये बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट टिप है जिसकी वजह से लड़कियां बार बार आएंगी तुम्हारे पास। हमेशा जब तुम उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, पहले खुद को ज़रा एक्सक्यूज़ करो एक मिनट के लिए, ठीक है, और बाथरूम जाओ और अपना नीचे का वो जो एरिया है उसको धो, तुम उसको अच्छे से धो। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट पार्ट है और वो एक्सपोज नहीं रहता, तो वो पसीने की वजह से या फिर मतलब हम लोग जो बाथरूम जिस चीज़ के लिए जाते हैं उन चीज़ों की वजह से उसमें एक थोड़ी सी स्मेल रहती है। और वो स्मेल क्यों तुम किसी को देना चाहते हो जब तुम उनके साथ चिपचिपाहट फैलाने के मूड में हो? क्योंकि तब तुम सिर्फ ये चाहते हो कि स्मेल बाद में आए, स्टार्टिंग में ना आए, ठीक है। तो बाद वाली स्मेल अच्छी स्मेल होती है, अगर स्टार्टिंग से तुम्हारे में स्मेल है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो धोया करो खुद को, क्योंकि उससे दूसरे इंसान को तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो और उसके मतलब तुम पर्सनल हाइजीन अपनी जो लुक आफ्टर कर रहे हो उससे दूसरे इंसान को दिखता है कि हाँ ये बंदा मेरे को एक अच्छी लाइट में देखता है, सिर्फ ऐसे ही फालतू लड़की की तरह नहीं देखता या लड़के की तरह अगर तुम वैसे टाइप के हो। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा करो, ठीक है। सबसे पहले रेगुलरली शेव या वैक्स किया करो, हर दो हफ्ते में एक बार कम से कम। सेकेंड जो मैंने कहा अभी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, धोना चाहिए खुद को, ठीक है। तीसरा, खुद को तुम वहाँ पे भी लुक आफ्टर किया करो। मतलब काफ़ी लोगों की स्किन वहाँ पे ड्राई होती है क्योंकि स्वेट हो जाता है, तो वो पूरा जो स्वेट में जो नमक होता है उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत हो जाती है, ठीक है, या फिर रैश होती है लोगों को, क्यों जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उनके थाइज़ वगैरह रब करती हैं साथ में, तो उस चीज़ के लिए तुम लोग को ये लगाना चाहिए। ये चीज़ मेरे पास पड़ी है 2-3 महीनों से, ठीक है, नामिया करके एक क्रीम है, ठीक है, इंटीमेट लाइटनिंग सीरम, ये बहुत ही सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जिस तरह तुम अपने मुंह पे मॉइस्चराइज़र लगाते हो यार, जिस तरह तुम अपने मुंह पे सनस्क्रीन लगाते हो, ये वहाँ के लिए है, ये जो प्रोडक्ट है ये वहाँ के लिए है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये कम्प्लीटली लाइटन भी करता है उधर की स्किन को। तो काफ़ी लोगों को कॉन्शियस होता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत डार्क है, तो इसमें लिखा हुआ है कि उसको लाइटन करता है। और मेरे को जो चीज़ पर्सनली पसंद आई वो ये है कि ये चीज़ प्लांट बेस्ड है, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो चेक कर सकते हो इसको तुम, मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक, ठीक है, नामिया का लाइटनिंग सीरम है, बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये बोतल मतलब मेरे पास 3 या 4 महीनों से पड़ी हुई है, ठीक है, 3 या 4 महीनों से पड़ी हुई है, ख़त्म नहीं हो रही। और मतलब मेरे को लगता है कि इन टर्म्स ऑफ द प्राइस जो इन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो तुम उसको चेक कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग के लिए, अपना वहाँ पे स्किन को अच्छा स्मूथ करने के लिए और नेचुरल स्किन केयर के लिए, मतलब उसमें कोई केमिकल्स वगैरह ना हो। अलॉन्ग विद दिस और मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें कभी भी जो लड़की है उसको भी कभी भी कॉन्शियस नहीं फील कराना चाहिए अगर
उसका वहाँ पे मेंटेन ढंग से ना हो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि उसने ढंग से नीचे अपने आप को मेंटेन नहीं किया, तो तुम उसको बहुत ही पोलाइट तरीके से बता सकते हो कि मुझे ना एक्चुअली कम्प्लीटली क्लीन शेवन वाली लुक ज़्यादा पसंद है, या मुझे ना एकदम ये पसंद है कि अगर दूसरा इंसान भी वैसे ही अपनी ख्याल रखे जैसे मैं रखता हूँ। तुम्हें कभी भी लड़की के साथ रूड नहीं होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो खुद की मैनस्केपिंग के लिए ये जो तीन टिप्स मैंने दी हैं, इसको फॉलो करना चालू करो, क्योंकि तुम में से काफ़ी लोग मेरे को इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाओ। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मेंस ग्रूमिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैनस्केपिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला आज इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि प्रोडक्ट भी आया हुआ है मेरे पास, तो मैंने बोला तुम लोग को बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये कंपनी मेरे को लगता है काफ़ी सही काम कर रही है। ऐसा प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा है, और मतलब ट्राई करके देखो तो ही तुम्हें पता चलेगा कितना अच्छा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, होपफुली आज संडे का तुमने स्टेटस देखा, जो पुराने वीडियोस डालने की मैंने बात करी, ठीक है, वो वीडियो देखो तुम जितने भी पुराने वीडियोस हैं, ताकि तुम अगर संडे को फ्री बैठे हो तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे और दिन को वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ एक्चुअली अच्छा कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार सारे पुराने वीडियोस देखो अगर तुम्हारे पास टाइम है, ताकि मोटिवेशन पूरी वापस आए, रिवाइज हो जाए जो भी चीज़ें तुमने पहले सीखी हैं, क्योंकि भूल जाते हैं हम इंसान ऐसे होते हैं कि आज वीडियो देखा दो मिनट के लिए, दो घंटे के लिए फीलिंग तगड़ी है, दो दिन बाद वापस भूल गए। नहीं, चमगादड़ हो तो उड़ते रहो, कभी भी उड़ना रुकना नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर और ऊपर। सी यू।